ये शब्द जोड़ना चाहूँगी इन बातों में। दरअसल मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया में खूब सारी ये बातें चलाई जा रही हैं कि आपको साबित करनी है वो JNU में करिए, IITs जो है वो साइंटिफिक एक्सेलेंस की जगह है, वहाँ पर आप साइंस करेंगे, वहाँ कोई राजनीति वाजनीति नहीं करने देंगे। अम्बेडकर परिवार की बातें ये विभाजन पैदा करने वाली बातें हैं, आरक्षण की बातें विभाजन पैदा करती हैं, ना हो। मैं याद दिलाना चाहती हूँ श्रीमती स्मृति ईरानी को और IIT मद्रास के जो भी वो बाबूज हैं जो चला रहे हैं उसको, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नाजी जर्मनी के संदर्भ में कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही सारी जितनी साइंस जितनी लिटरेचर पैदा हुई है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से पैदा हुई है। उन्होंने कहा था कि अगर हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इंडिविजुअल लिबर्टी पर जो हमले हैं उसका अगर हम जवाब देना चाहते हैं, उसका हम मुकाबला करना चाहते हैं, तो हम याद रखें कि उसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से कोई शेक्सपियर पैदा होता है, कोई गंशे पैदा होता है, कोई न्यूटन होता है, कोई फैराडे होता है, कोई टेस्ला होता है, कोई लिस्टर होता है। ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, उन्होंने कहा था कि जितने इनोवेशंस हैं मेडिसिन के साइंस के जो हमारे आधुनिक जीवन को संभव बनाते हैं, ये सारी चीजें इंडिविजुअल लिबर्टी के बिना, दिमाग की स्वतंत्रता के बिना ये होता नहीं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कहना चाहते हैं, कृपा करके जो यहाँ वर्दीधारी है, जरा 2 मिनट रह गए, 5 मिनट हो गए, ये जो IIT मद्रास पर के छात्र संगठन अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल पर स्मृति ईरानी के MHRD से चिट्ठी जाने की वजह से वहाँ पर बैन लगी है, डीरेकग्निशन हुआ है, MHRD इंटरवीन करे ताकि डीरेकग्निशन तुरंत खत्म हो। हम पूछना चाहते हैं इन लोगों को कि इनको अंबेडकर के नाम से, पेरियार के नाम से, भगत सिंह के चेहरे से इतना क्यों भय लगता है? क्यों भय लगता है हम सब जानते हैं, लेकिन इस स्वाधीन देश में जो कि जिसमें की उम्मीद की किरण अंबेडकर पेरियार भगत सिंह से ही आता है, उस उम्मीद की किरण को हम इतनी जल्दी बुझने नहीं देंगे, हमारी बोलने की आजादी को बचाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त कर रही हूं। एप्रा की तरफ से और ऑल इंडिया पीपल्स फोरम की तरफ से यहां इस पूरे आंदोलन का मैं समर्थन करूँ।